जब उसका हाथ सॉकेट में घुसा तो उसे बिजली की जोरदार धड़कन सुनाई दी। बहुत समय पहले की बात है, एक अज्ञात ग्रह से आई एक एलियन लड़की एक गांव में अपने शोध के लिए आई। उसका नाम जारा था। जारा एक बहुत ही रोचक और बातूनी स्वभाव की लड़की थी। जब वह गांव में पहुंची, तो उसे वहां के लोगों की आदतों और जीवन शैली के बारे में अधिक जानने का मौका मिला। गांव में जारा एक युवक के पास पहुंची, जिसका नाम आदित्य था। आदित्य एक खुशमिजाज और संवेदनशील युवक था। जब जारा ने आदित्य को देखा, तो उसका दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि यह मानव जीवन का सबसे महानतम खजाना है और वह इसे समझना चाहती है। आदित्य ने जारा का स्वागत किया और उसे अपने घर में ले गया। जारा ने अपने शोध का काम जारी रखते हुए साथ में आदित्य की मदद करने का निर्णय लिया। जब वह आदित्य के साथ समय बिताने लगी, तो दिन ब दिन उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। जारा ने धीरे धीरे धरती की संस्कृति और मानव समाज के तरीकों को सीखना शुरू किया। उसने देखा कि भूमिका परिवर्तनीय होती है, प्रेम और सद्भावना द्वारा समानता बनती है और परिवार का महत्व अद्वितीय होता है। धीरे धीरे जारा आदित्य के प्रेम में पड़ गई। एक दिन आदित्य ने जारा को अपने माता पिता से मिलवाया, लेकिन जब उन्होंने जारा को देखा तो वे चकित रह गए। जारा एक एलियन थी और उन्हें इसका पता नहीं था। जब आदित्य ने उनसे कहा कि वह जारा से शादी करना चाहते हैं, तो उनका परिवार उन्हें हंसते हुए देखा। जारा को यह बात पता चलते ही उसे बहुत दुख हुआ। वह नहीं चाहती थी कि उसके प्रेम के लिए आदित्य का परिवार उसे मान्यता न दे, लेकिन आदित्य ने उसे समझाया कि प्यार को लोगों की नजर से ज्यादा महत्व देना चाहिए। जारा को इस बात का आभास हुआ कि असली प्यार और संबंध मानवता के बाहर की सीमाओं से पार होते हैं। उसने अपने आप को साबित करने का फैसला किया और आदित्य से विवाह करने के लिए राजी हो गई। जब जारा ने आदित्य के परिवार का हिस्सा बनने का प्रयास किया, तो वहां खुशियों और हंसी का अतिरिक्त सागर उत्पन्न हुआ। जारा की विदेशी स्वभाव ने उनके घर में मजेदार घटनाएं शुरू कर दी। एक दिन जारा ने देखा कि उसका भोजन नहीं हो रहा है, तो वह अपनी उंगली घर की बिजली सॉकेट में घुसाने की कोशिश करने लगी। जब उसका हाथ सॉकेट में घुसा, तो उसे बिजली की जोरदार धड़कन सुनाई दी। उसने अचानक ही एक अलग ही तरह की चमक धारण कर ली। वह बिजली वाली एलियन बन गई। उसके पड़ोसी लोग अपनी आंखें निचोड़ते रह गए जब उन्होंने देखा कि जारा का घर बिजली से चमक रहा है। सबके आश्चर्य से उसे भी बहुत मजा आया और उसने उन्हें हंसाने के लिए अद्भुत और हास्यास्पद चीजें की। जारा के साथ रहने के लिए आदित्य की परिवार ने एक अनूठा और नवीनतम घर बनवाया। उनके अताड़ित गतिविधियों से पूरे घर में हंसी की धार बहती रहती थी। एक दिन जारा ने एक फूलदान में बगीचे के फूलों को उखाड़ दिया और उन्हें सिर पर रख लिया। उसने लोगों को बताया कि इसे ऐसे रखने से प्यार के प्रतीक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों को खुशी हुई और वे भी ऐसा करने लगे। ऐसे ही कई मजेदार और हास्यास्पद घटनाएं हुई जब जारा अपनी अज्ञात और विदेशी स्वभाव के साथ आदित्य के परिवार के बीच रही। वह देखती थी कि मानव समाज कितना मनोहारी हो सकता है और हंसी और प्यार की भाषा सबको समझ में आती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विभिन्न संस्कृतियों और देशों के बीच भी प्यार और संबंधों का निर्माण संभव है। हंसी और मस्ती जीवन की खुशियों का महत्वपूर्ण अंग है और हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जारा और आदित्य की प्रेम कहानी एक पारिवारिक सगाई के साथ खुशहाली और प्यार से भरी एक नई शुरुआत के साथ समाप्त हुई।